हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ इज़ यू ऑल। टुडे वी स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड नाउ वी रीड कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सो कंप्यूटर लैंग्वेज, द स्पेशल लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेज। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंस्ट्रक्शंस इन फॉर्म ऑफ से commands that we give to the computer to perform a particular task। So computer को work करने के लिए एक special language की ज़रूरत पड़ती है, उसे क्या कहते हैं हम, computer language। ठीक है, ये जो हमारी जो हम computer पर काम करते हैं instructions या जो भी हैं वो सारा इसके through perform होता है। कोई भी जब हम काम करते हैं वो computer language के through complete होता है। Done। नेक्स्ट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क टू प्रोसेस द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दिस इंस्ट्रक्शंस दैट इज प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। अ पर्सन हु राइट्स अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर ऑफ टू टाइप्स। सो कंप्यूटर पे जो भी हम काम करते हैं हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, पहले, या हम कमांड्स देते हैं कंप्यूटर को, फिर वो हमारा जो टास्क है परफॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, डेटा। जो इस प्रोसेस को राइट करता है या जो इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, वो कौन होता है, प्रोग्रामर। और जो ये सारा काम इंस्ट्रक्ट होता है वो क्या होती है, हमारी प्रोग्रामिंग। जो पर्सन वर्क देता है दैट इज़ प्रोग्रामर। जो टास्क हमारा प्रोसेस होता है दैट इज़ प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट इज कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। हमारी टू टाइप की कैटेगरीज है कंप्यूटर लैंग्वेज की, दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। और हमारी हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। डन। द नेक्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेजेस। अब टू टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं, फर्स्टली हम कौन सी पढ़ेंगे, लो लेवल। दीज लैंग्वेजेस आर रिटन टू रन ऑन वन पर्टिकुलर कंप्यूटर एंड कैनॉट बी इजली यूज ऑन अनदर कंप्यूटर। दे आर डिफिकल्ट टू लर्न। ठीक है, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज थी वो क्या थी, एक टाइम पे एक ही काम होता था, ठीक है, और एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे काम होता था, उससे हम किसी दूसरे के साथ अटैच नहीं कर सकते थे, ठीक है, ये बहुत डिफ़िकल्ट थी काम करने में भी और समझने में भी। सो मशीन लैंग्वेज, फर्स्ट हमारी लो लेवल कौन सी है, मशीन लैंग्वेज। दैट इज़ इट इज़ अ फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली वन लैंग्वेज दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। It is a sequence of instructions written in the form of binary numbers, consist of zeros, ones, to which computer responds directly. So, हमने last अपने chapter में read किया था, ठीक है, first generation के बारे में। first generation क्या था मैं आपको repeat करा देती हूँ। first generation जो हमारे computer थे बहुत बड़े size के computer थे, ठीक है, और इस पर काम करने के लिए one से ज़्यादा persons की ज़रूरत होती थी। plus ये कौन सी लैंग्वेज समझता था, मशीन लैंग्वेज, और इनमें जो हमारा डेटा इंस्ट्रक्ट होता था वो किस फॉर्म में जाता था, जीरोज और वंस की फॉर्म में, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या थी, फास्टर इन एग्जीक्यूशन सिंस कंप्यूटर डायरेक्टली स्टार्ट एग्जीक्यूटेड इट। लो लेवल लैंग्वेज इट रिक्वायर्स नो ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट द कोड। डन। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या थे इसकी, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द यूज़र। डेवलप्स अ प्रोग्राम यूजिंग मशीन लैंग्वेज, नॉट पोर्टेबल, हार्ड टू फाइंड एरर्स इन प्रोग्राम रिटन इन दी इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारी डिसएडवांटेज थी इसकी, कि एक तो कोई भी इसे इजीली नहीं समझ सकता था, ठीक है, नेक्स्ट क्या, ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज में ही डेवलप होता था प्रोग्राम, और इसमें अगर ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, ठीक है, या राइटिंग प्रोग्रामिंग अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, एरर को। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज, ये हमारी लो लेवल लैंग्वेज का
सेकेंड पार्ट है, दैट इज़ इट इज़ अ सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज. इंस्ट्रक्शंस आर रिटन यूजिंग एब्रीवेशन एंड कोड्स. असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटर विच टेक्स इट्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज कोड एज इट्स आउटपुट. सो ये हमारी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी आपको पता है, आई रिपीट, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में क्या था, हमारे जो कंप्यूटर थे काफ़ी स्मॉल साइज़ के हो गए थे, प्लस इनमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे थे. डन. इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एब्रीवेशन एंड कोड्स के थ्रू दी जाती थी. एब्रीवेशन मीन्स ब्रीफली, संक्षिप्त, ठीक है, एब्रीवेशंस को ब्रीफली भी कहते हैं. असेंबलर क्या है, इज़ अ ट्रांसलेटर. जो हमारा असेंबलर है एक ट्रांसलेटर था जो विच टेक्स इट्स इनपुट, ठीक है, जो अपनी इनपुट थी वो असेंबली लैंग्वेज में लेता था, ठीक है, और उसको मशीन लैंग्वेज में प्रोड्यूस करता था, डन, और फिर उसकी आउटपुट देता था. नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, फिर असेंबलर, फिर ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है. पहले क्या है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज में लेता है उसको, फिर असेंबलर उसको क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और ऑब्जेक्ट कोड में हमें उसकी आउटपुट मिल जाती है, ठीक है. तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हमारी राइटिंग है प्रोग्राम इज़ मोर कन्वीनियंट. ऑब्वियसली इसमें वैक्यूम ट्यूब वाला फंडा ख़त्म होकर ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, और क्या था, इसमें हमारे कीबोर्ड और माउस भी हमें मिल गए थे, ठीक है. इट इज़ रिटन इन सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस रादर देन बाइनरी सीक्वेंस. अ एडिशन, सी कंपैरिजन, एल लोडिंग, ठीक है. इट इज़ मोर रीडेबल, इजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर्स. डन. सो डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी, स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर मशीन, डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, नॉट पोर्टेबल एंड नॉट वेरी फास्ट, ठीक है. दिस इज़ अ डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज. अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है लो लेवल लैंग्वेज का, जिसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज यूज थी, उसके हमारे ट्रू फॉल्स एक्टिविटी. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है. जीरो एंड वन डिनोट असेंबली लैंग्वेज, दैट इज फॉल्स. ये किस में डिनोटेड थे, मशीन लैंग्वेज में. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज इज मोर रीडेबल एंड ईजी देन फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, येस इट्स ट्रू. मशीन लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज, येस ट्रू. असेंबलर द ट्रांसलेटर इज रिक्वायर्ड इन मशीन लैंग्वेज टू ट्रांसलेट द कोड, दैट इज ट्रू. असेंबलर जो था हमारा, उसको ट्रांसलेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती थी, ठीक है. असेंबली लैंग्वेज इज डिज़ाइन फॉर एवरी टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, नो. इसके लिए क्या था, स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत पड़ती थी. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.